अच्छा ठीक है ठीक। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज गिव मी ए कंफर्मेशन कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूं या नहीं। प्लीज कंफर्म वेदर आई एम ऑडिबल और विजिबल और नॉट, उसके बाद अपना सेशन शुरू करते हैं। टिल द टाइम जब तक बच्चे जुड़ते हैं, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एंट्रेंस विजार्ड। बच्चे जुड़ते चलिए, फटाफट आते जाइएगा, जल्दी से जुड़ जाइए। जी प्रीति जी, हेलो हेलो, बिल्कुल हेलो सबको। एक बार प्लीज कंफर्म भी कर दीजिएगा। प्रीति मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप भी ठीक हो? चलो हम लोग वॉइस कर रहे थे, बाकी सब बच्चे भी आ जाइए। हेलो निधि, हेलो शिवम, शिवम लिखते हैं, एवरी पर्सन कैन सक्सीड इन हिज लाइफ इफ ही हैज पैशन एंड बिलीव हिमसेल्फ। बिल्कुल ठीक है, एवरी पर्सन कैन सक्सीड कर दीजिए या कैन बी सक्सेसफुल कर दीजिए, दोनों ठीक है ना। कैन के बाद अगर बी लगा देंगे तो उसके आगे नाउन रख दीजिएगा, ठीक है, बी के बाद नाउन रख दीजिएगा, या सक्सीड को एवरी वन कैन सक्सीड कर दीजिए, सो दैट की बी वहां से रिमूव करके सेंटेंस करेक्ट हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। आपको अगर खुद में विश्वास है और आपके पास पेशेंस है, पेशेंस मैंने बता ही दिया कहां से सीखना है वो कैब वाली क्लास में, ठीक है। और वैसे भी दुनिया का एक ही मूल मंत्र है, पेशेंस और परसिवरेंस, पेशेंस और परसिवरेंस, ये दो ही चीजें चाहिए आपको सफल होने के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। चलो अगर मेरी आवाज आप लोगों तक ढंग से पहुंच रही हो तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दें, गाइस आई एम ऑडिबल और विजिबल और नॉट, फिर हम वॉइस का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सो दैट कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर सकें जिनको इंटरेस्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में और साथ के साथ अपना गवर्नमेंटल एग्जामिनेशन क्रैक करने में, ठीक है, डन। तो चलिए आई विल बिगिन विद द शो ऑफ वॉइस। हाँ जी चलो, एवरीथिंग इज ओके। तो चलिए मैं शुरू करता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन से, है ना। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, हम लोगों ने टेंस पूरा कर लिया था, साथ के साथ मोडाल वर्ब में भी वॉइस चेंज पूरा कर लिया था। तो आगे चलिएगा, देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ठीक है। आइए देखिए, वॉइस का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो है टू बी का, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है टू बी, ठीक है। तो चलो एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं और डायरेक्टली वी विल जंप ऑन टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब एक्टिव को पैसिव में बदलने की कोशिश करना शुरू करेंगे, ठीक है, डन। गाइस आप लोग रेडी हैं? तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। देखिएगा, जब टू बी की हम बात करते हैं तो ये बात, ये सब चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि बी फैमिली के अंदर क्या क्या होता है, इज एम आर वॉज और वर, है ना। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, येस और नो, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। एक बार येस नो कर दीजिएगा कि बी फैमिली में ये सारे वर्ब्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टू बी की जो पूरी कहानी है, देखिएगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वॉज वर Has, have, had, plus infinitive हो। Infinitive आप लोग समझते होंगे, जो बच्चे नहीं समझते हैं तो अभी के लिए ये समझ लीजिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू प्ले, टू ईट, ये सारे के सारे क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अभी इतना ही समझिए, वैसे इसकी डिटेलिंग हम लोग करेंगे जब हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे ना, तो वर्ब में जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। तत्काल क्या समझना है बेटा, तत्काल समझना है हमें, फॉर द टाइम बीइंग बस इतना जानिए कि इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
एक बार प्लीज कंफर्म कर देना सब लोग कि मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है ना। गला थोड़ा सा चोक्ड है बेटा, तो हो सकता है आवाज थोड़ी फंसी फंसी सी लग रही हो, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है कि आवाज उतनी ही बुलंदी और उतनी ही एनर्जी के साथ पहुंचे, लेकिन गला थोड़ा सा चोक्ड है, तो प्लीज जस्ट गिव मी ए कंफर्मेशन कि ठीक ठाक अब तक आवाज पहुंच रही है। ठीक, तो अभी जो हम स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं वो उसका देखो अब क्या हो जाएगा। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हम जानते हैं न्यू सब्जेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब तो वही सारी है जो हमारे पास ऊपर मेंशनड है, और इन्फिनिटिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में जो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है वो बाय प्लस एजेंट बन जाता है। चलिए, हाँ जी शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो पूरी पूरी बात आ गई समझ में। हमें क्या करना है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चलना है। तो डायरेक्टली चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। अब देखो आपके पास क्या है, आई एम टू बाय अ बैट, आई एम टू बाय अ बैट। देखो आ गया टू बी, चलो आ जाओ फटाफट सॉल्व करिएगा। अब फटाफट चेंज करिए और सॉल्व करिएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, ऑब्जेक्ट देखना है। यहां ऑब्जेक्ट क्या है, ए बैट, तो अ बैट को आप आगे ले आइए, अ बैट। ठीक, यहां एम था तो बैट के लिए क्या लगाओगे, इज टू बी बॉट, अ बैट इज टू बी बॉट। कौन खरीदने जा रहा है, तो मैं खरीदने जा रहा हूं, तो अ बैट इज टू बी बॉट बाय मी, अ बैट इज टू बी बॉट बाय मी। तो एक एग्जांपल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। पीछे स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया था, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद क्या रखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे स्ट्रक्चर में क्या करिएगा बेटा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ऐसे स्ट्रक्चर को हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। ठीक, हाँ जी शिवम, बहुत बढ़िया। अ बैट एज, अ बैट इज टू बी बॉट बाय मी, अ बैट एज टू बी इज टू बी बॉट बाय मी। चलिए फटाफट प्रीति निधि सब लोग फटाफट जवाब दें बेटा। ठीक है, चेंज करते चलिएगा और अपने अपने रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करते चलना। 5-10 सेकंड का आगे पीछे रहता है इंटरनेट कनेक्शन में, जिसकी वजह से वोकैब वाली क्लास लास्ट में मुझे लगा कि टाइम बहुत कम है, तो बहुत स्पीड में खींच दी थी मैंने। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लेना बेटा वीडियो को। वैसे यूट्यूब आपको यह ऑप्शन देता है स्लो और तेज करने का, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आई प्रोमिस टू रिपीट द लास्ट फ्यू क्वेश्चन, फाइन, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, हाँ जी बहुत बढ़िया। और सेकेंड वाला, ही इज टू राइट अ लेटर, तो उसका आंसर आ चुका है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसको बना देंगे न्यू सब्जेक्ट, तो अ लेटर इज टू बी, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम, अ लेटर इज टू बी रिटन बाय हिम। ठीक है, बात समझ में आ गई है सबको, आई होप, है ना। हाँ जी बिल्कुल जी, शिवम निधि बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी फटाफट एक बार, जितने बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना, बच्चों फटाफट आइए। मैंने आपको पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं, वॉइस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये कुछ नए रूल्स एक करेंगे, कुछ नए रूल्स और इसके बाद बचेंगे। जो अगली क्लास वॉइस की होगी वो हो सकता है आपके लिए थोड़ी अननोन हो, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि वॉइस बहुत आसान टॉपिक है, सबको आता होता है ये पहले से। अगली क्लास में कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो शायद थोड़ा अननोन हो, अभी हम लोग नोन टू अननोन वाले सिस्टम में चल रहे हैं, है ना। मेथड्स अप्रोचेस वगैरह आप समझते हो लैंग्वेज को पढ़ाने का, तो अभी हम वो चीजें कर रहे हैं जो नोन है, फिर थोड़ा सा अननोन पर भी चलेंगे और फिर हम शुरू करेंगे वॉइस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां अभी आसान है। देखो अभी आपके लिए वॉइस चेंज करना आसान है, लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शंस दे दूं ना, तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही कौन सा गलत, तब कंफ्यूजन बनेगा, जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे। चलिए, टिल द टाइम हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, My wife was to do this work. चलो फटाफट चेंज करो, एक सेंटेंस है आपका My wife was to do this work, और दूसरा है He has to purchase a smartphone. He has to purchase a smartphone. चलिए फटाफट चेंज करते चलिएगा।
बदलिए, फर्स्ट वाला माय वाइफ वाज टू डू दिस वर्क, माय वाइफ वाज टू डू दिस वर्क, तो ये दिस वर्क क्या हो गया बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तभी इस दिस वर्क को आगे ले आओ, दिस वर्क वॉज है तो रहने दीजिए, वॉज टू बी डन बाय माय वाइफ, दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय माय वाइफ। हां जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम। चलिए फटाफट आगे चलिएगा, एक सेंटेंस और है इसको भी सॉल्व कीजिए, एक सेंटेंस और है इसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो यहां आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, स्मार्टफोन, यहां आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, स्मार्टफोन। तो देखिएगा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन हैज है तो हैज टू बी ठीक, वर्ब है आपका परचेज, तो यहां पे हम इसका थर्ड फॉर्म कर देंगे purchased, has to be purchased by, he आपका बन जाएगा agent, that is him, he आपका बन जाएगा agent, that is him। तो आपका पूरा sentence क्या हो गया, हाँ जी, a smartphone has to be purchased by him। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया, एकदम पटाखों के साथ, sparkles के साथ, बहुत अच्छे। चलिए प्रीति जी बहुत अच्छे, सोनी बहुत बढ़िया, निधि बहुत बढ़िया, सॉरी निधि सोनीपत। चलो तो क्या हो गया, दिस वर्क वॉज टू बी डन बाय माई वाइफ, और दूसरा स्मार्टफोन हैज टू बी, सॉरी ये हैज ही है, ये एस थोड़ा सा बड़ा लिखा गया बेटा, है ना, ये हैज ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हैज टू बी, क्योंकि हम वॉइस में टेंस नहीं चेंज करते, वॉइस में टेंस नहीं चेंज करते, तो हैज टू बी परचेज्ड बाय हिम। चलो फटाफट आगे चलो, नेक्स्ट देखिएगा, I have to buy a book. They were to play the match. जल्दी से 10-10 seconds लीजिए, फटाफट सॉल्व करिए। I have to buy a book. ठीक है, तो आप इधर बुक को ऑब्जेक्ट बनाएं जल्दी से, दूसरे वाले में द मैच को ऑब्जेक्ट बनाएं, तो इधर क्या हो जाएगा, अ बुक, ठीक है, हैव लगाया था बेटा आई की वजह से, तो यहां क्या लगाएंगे, हैज To be bought. A book has to be bought by me. A book has to be bought by me. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा इजिली, वॉइस वगैरह सब कुछ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के तहत ही करना है, क्योंकि जितना बढ़िया प्रैक्टिस बेटा उतना बढ़िया रिदम और एक्यूरेसी बनेगी। दूसरा देखिएगा, द मैच, बस हेल्पिंग वर्ब का चुनाव ध्यान से करना, हेल्पिंग वर्ब, यहां हैव था आई की वजह से, अब न्यू सब्जेक्ट अब बुक है तो यहां हैज लगाएंगे, बस यही छोटी छोटी चीजें, कभी कभी ऑप्शन में अब बुक हैज अब बुक हैव दोनों दे देगा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां वाला हैव देख के उसको टिक कर देते हैं, तो गलती हो जाती है। इसलिए मैंने बोला ना कि एक्टिव से पैसिव में खुद चेंज करना आसान है, चार ऑप्शन आएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा, उस कंफ्यूजन में भी लेकर चलेंगे एक आधा क्लास के बाद। तो द मैच, अब वर की जगह क्या करेंगे बेटा, वॉज, द मैच वॉज टू बी प्लेड, थर्ड फॉर्म, द मैच वॉज टू बी प्लेड, अब बोलो बाय देम करें ना करें, हां जी बोलिएगा, बाय देम करें ना करें, ये आप जानते हैं अच्छे से, शिवम ने बिल्कुल बाय देम नहीं लिखा है, द मैच वॉज टू बी प्लेड लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि us, them, police, people, someone, no one, इन सब को पैसिव ऑब्जेक्ट में हम नहीं यूज करते हैं, इन सब को पैसिव ऑब्जेक्ट में नहीं यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या ध्यान देना है बेटा, जिनको जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो ये ध्यान रखिएगा, us, them, people, police, no one, someone, somebody, one, इन सब को पैसिव ऑब्जेक्ट में नहीं यूज करते हैं, तो ये यही हो जाएगा, by them, by us, by someone, by no one, ये सब नहीं लिखा जाता है, ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। हां जी निधि जी बिल्कुल नहीं करना बेटा, ठीक है प्रीति, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक, चलो आ जाओ, तो चलते हैं नेक्स्ट कहानी पे।
अब अगला टाइप है बेटा आपका इन्फिनिटिव्स का। अब इन्फिनिटिव्स की चर्चा हम लोग और कर चुके हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना? चलिए बात क्लियर है तो फटाफट अब अगले सेंटेंसेस को देखते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस ध्यान रखिएगा इन्फिनिटिव्स के लिए। आइए अब देखो यहां कैसा स्ट्रक्चर मिलता है। यहां जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो बिल्कुल कॉमन स्ट्रक्चर है, चेक करना। देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यही नाउन आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है, ठीक है? और साथ में इन्फिनिटिव मिलेगा, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, ठीक। जैसे हम लोग मान लीजिए कहते हैं देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। अब देखो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल वही चल रहा है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव हो गया टू से। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोग समझ रहे हैं, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव को कैसे चेंज करिएगा? देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन तो इतना ही है, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन तो यही रहेगा। आपको क्या करना है, इस इन्फिनिटिव के लिए हम क्या करेंगे, इस इन्फिनिटिव के लिए हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या करेंगे बेटा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक। बात आ रही है समझ में? बात समझ में आते जाए तो हा ना करते चलिएगा बेटा, ठीक है? यस नो करते चलिएगा, कुछ नहीं करना। पूरे में क्या ध्यान रखना है आपको, कि पूरे में नाउन तक एज इट इज रहना है, इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, ठीक है? हाँ जी, टू बी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। आ जाओ तो फटाफट प्रैक्टिस पे आ जाओ। देर इज नो टाइम टू लूज, चलो चेंज करो जल्दी, सब आपकी बारी। देर इज नो टाइम टू लूज, चेंज करिए। इतने को तो आपको चेंज ही नहीं करना है, ये तो एज इट इज चिपक जाएगा, है ना? ये तो एज इट इज चिपक जाएगा। आपको क्या करना है, वो टू लूज वाले पार्ट को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाना है, टू लूज वाले पार्ट को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम। अब इधर क्या हो जाएगा बेटा, अब टू लूज को हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। इन्फिनिटिव में इतना ही ध्यान रखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये चेंज हो जाएगी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? तो टू लूज हो जाएगा टू बी लॉस्ट, टू लूज हो जाएगा बेटा टू बी लॉस्ट। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। चलिए अपने अपने आंसर्स शेयर करते चलिएगा बेटा। हाँ, लॉस्ट लॉस्ट, है ना? ध्यान देने चलना, वर्ब के फॉर्म्स एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। पहले भी रिक्वेस्ट किया था, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, है ना? वर्ब के फॉर्म्स एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक। इसी तरह सेकंड में क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज टू बी लॉस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक, टू बी लॉस्ट। तो यहां क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग, अब टू गेन का क्या हो जाएगा, टू बी गेन्ड, टू बी गेन्ड, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड, है ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी शिवम और निधि, बहुत बढ़िया। प्रीति आप भी अपना रिप्लाई भेजें फटाफट, ठीक है? टू बी लॉस्ट टू बी गेन्ड, टू बी लॉस्ट टू बी गेन्ड, ठीक है? बस थर्ड फॉर्म ध्यान रखते चलिएगा, थर्ड फॉर्म ध्यान रखते चलना है बेटा आपको, है ना? टू बी लॉस्ट और टू बी गेन्ड, और साथ के साथ आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। He is a man to admire. He is a man to admire. चलिए चेंज करिए, He is a man to be admired. ठीक, क्या करिएगा इधर, He is a man. He is a man. अब to admire वो क्या कर देंगे, to be और admire का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, admired. ठीक है? तो ही इज अ मैन
टू बी एडमायर्ड, इतना तो एज इट इज ही रह जाना है, इतना तो एज इट इज ही रह जाना है। बस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड, ही इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इसी तरह नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, हाँ जी बहुत बढ़िया, नेक्स्ट वाले में देयर इज नथिंग, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, देयर इज नथिंग, ठीक। अब टू से कहां चला जाएगा, टू बी सेड में, टू से कहां चला जाएगा, टू बी सेड में। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं और इसी तरह जवाब भेजते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम निधि, बहुत बढ़िया, टू बी सेड, टू बी एडमायर्ड, बहुत अच्छे। चलो आप लोग ये कॉमन वाला उड़ा के जो मेन पॉइंट कन्वर्जन है वो मेंशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलो अब आगे देखो, अब नेक्स्ट टाइप पे चलिएगा, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस का। अच्छा कोई बात नहीं नेहा जी, मूड अपसेट है तो कोई बात नहीं, है ना। वैसे कभी कभी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये आपका चॉइस है, आप क्लास ले या ना ले, आपका मूड अपसेट है, लेकिन कभी कभी ना क्लास लेते लेते दोस्तों से चैट करते करते और सुनते सुनते ना मूड बदल भी सकता है। एक घंटा डेढ़ घंटा खामखा मूड खराब करके बैठेंगे, मेरा मूड खराब है मैं ये नहीं करूंगी, मेरा मूड खराब है मैं वो नहीं करूंगी, तो हो सकता है क्लास लेते लेते मूड बदल भी जाए। दिमाग को डाइवर्ट करना सीखिए, जिस चीज से दिमाग हटाना हो ना उसके बारे में सोचना बंद करिए। अब मान लीजिए आपको किसी इंसान से दिक्कत है या किसी इंसान से आप बुरा फील करके बैठे हुए हैं और बार बार यही सोच रहे हैं, यार मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं उससे कल से बात नहीं करूंगी, मैं उससे कल से मिलने नहीं जाऊंगी, या मैं ये काम नहीं करूंगा या वो काम करूंगा, तो बार बार तो आप उसी बात के बारे में सोच रहे हैं। तो मूड ठीक हो जाए उसके लिए कुछ नया करना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप चाहें तो आंसर्स टाइप करके भेजना शुरू करेंगे तो बेटा मूड ठीक भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ ये सोच लेने से मुझे फलाने से नफरत है, अब मान लो एबीसीडी कोई एक्स नाम की लड़की है जिससे मुझे नफरत है, अब मैं बार बार सोचूं उस एक्स नाम की लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, कल से उससे नहीं मिलूंगा, उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दूंगा, तो अल्टीमेटली मैं सोच तो उसी के बारे में रहा हूं, है ना। तो हम कुछ और काम में खुद को जब तक बिजी नहीं करेंगे तब तक वो खराब मूड वाली बात दिमाग से निकलेगी ही नहीं, है ना, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है बेटा, है ना नेहा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप आराम से आइए, छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे क्वेश्चन से। अच्छा नेहा सिर्फ इतना बता दो कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है फिर आप चले जाना, सिर्फ इतना बता दो नेहा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा फिर आप चले जाना। बिल्कुल आप बिल्कुल रिप्लाई नहीं करना, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनना, सिर्फ इतना बता दो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, बाकी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुने। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तीन तरह की बातें, पहली चीज जब आप ऑर्डर या कमांड की बात करते हैं, जिन सेंटेंसेस से आपको ऑर्डर या कमांड वाला फील आए, जिन सेंटेंसेस से आपको ऑर्डर या कमांड वाला फील आए उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड, दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट है जिस सेंटेंस से आपको एडवाइस, जिस सेंटेंस से आपको एडवाइस वाली कोई सलाह वाली फील आए उसको भी इंपेरेटिव कहते हैं। और तीसरी चीज है जिन सेंटेंसेस से आपको बेटा रिक्वेस्ट वाली बात समझ में आए, तो एनी सेंटेंस, एनी एक्टिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर और कमांड और एन एडवाइस और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी बच्चे यस नो करें अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं तो। अच्छा अपने ही टीचर ही अपसेट कर देते हैं, क्या हो गया बेटा, कोई बात नहीं, टीचर हो सकता है, कभी कभी टीचर भी बेटा खराब मूड में होगा, है ना। वैसे जनरली टीचर को अपसेट नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम फैसिलिटेटर होते हैं, हमारा काम होता है बच्चों को समझा के बुझा के मिला के आगे लेकर चलना, है ना। कोई बात रही होगी, है ना, कोई बात रही होगी।
ऑर्डर कमांड एडवाइस रिक्वेस्ट, इन्हीं को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वन बाय वन करके तीनों का कन्वर्जन देखते हैं। हम शुरू करते हैं पहले ऑर्डर और कमांड से, हम शुरू करते हैं पहले ऑर्डर और कमांड से। मुद्दे की बात पे आइएगा फटाफट। देखो, इफ एन एक्टिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर और कमांड, ये ऐसे ही थ्योरी लिख दी आपके लिए, देन द पैसिव वॉइस इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब भी कोई सेंटेंस आपको ऑर्डर या कमांड वाला मिले तो कैसे चेंज करेंगे, लेट प्लस मेन वर्ड। यहां पर लेट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये छुपा हुआ होता है। कल अर्चित को एक वर्ड छुपा हुआ मिला था तो उसका सेंटेंस गलत हो गया था। तो लेट प्लस मेन वर्ड, मेन वर्ड किसको कहते हैं, पैसिव सब्जेक्ट को। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लेट प्लस मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है, जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट होगा, प्लस बी, प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये अदर वर्ड लिखा है। इसके अलावा कोई वर्ड अगर बच जाए तो लिख दीजिएगा, नहीं तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस मेन वर्ड, मेन वर्ड मतलब पैसिव सब्जेक्ट जो आपके उस टाइम में ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जैक्टली शिवम, एग्जैक्टली है ना। चलो, निधि कहती है नेहा कोई नहीं, छिलकर टीचर धमकाते ही हैं। अरे क्या बात है, अरे बेटा टीचर धमकाते नहीं है बेटा, आपको मुझको देख के लग रहा है मैं धमकाता हूं, इतने प्यार से इतनी सहजता से आप लोगों से बातें करता हूं। चलो आते हैं, धमकाना धमकाना छोड़ो, पैसिव चेंज करने पे आओ। देखो, आ जाओ, देखो इधर क्या है, छोटे छोटे सेंटेंसेस, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। और एक बात और बताना भूल गया, ध्यान रखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में बेटा सब्जेक्ट नहीं होता है। देखो ये क्या है आपका, ये वर्ब है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको जितने भी मिलेंगे वॉइस के अंदर, वो सारे बिना सब्जेक्ट वाले मिलेंगे। चलिए, तो फटाफट चेंज करना है हमें, चेंज कैसे करना है, तो हमें चेंज करना है बेटा, मैं एक एग्जांपल आपके लिए कर रहा हूं, लेट, उसके बाद क्या था, पैसिव सब्जेक्ट मेन वर्ड डालना है, तो लेट द लाइट, लेट द लाइट बी switched on, let the light be switched on, है ना। अब इसका थर्ड फॉर्म यहां कर दिया switched, तो आपका सेंटेंस कैसे चेंज हुआ, ऑर्डर कमांड वाला, switch on the light, switch on the light, तो कैसे चेंज किया, let the light be switched on, let the light be switched on, ठीक, बात आ गई समझ में। तो चलिए आप लोग भी चेंज करिए। हाँ जी निधि, बिल्कुल, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। दूसरा सेंटेंस ठीक वैसे ही चेंज करें, यहां आपके पास वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, और आपको पहले बता दिया है बेटा कि इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता है। आपने किसी को बोला गेट लॉस्ट, तो किसको बोला, सेंटेंस में तो नहीं पता चल रहा, स्टैंड अप, तो स्टैंड अप किसको बोल रहे हैं ये नहीं पता चल रहा है। तो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है, पहचानने का यही तरीका है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना नेहा, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। किसी ने कुछ कहा है तो कोई कारण होगा बेटा, दिल में दिल बड़ा रखिए, है ना, और सबके लिए दिल में माफी रखिए, मैं इतना ही मानता हूं। मैंने आपसे क्या बोला था, सबके लिए पोलाइट होना सीखो, है ना, और शांति से इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। जिस दिन सफलता शोर मचाएगी ना, उस दिन सब लोग बोलेंगे, अरे मैं था वहां, मैंने ऐसे मदद की, मैंने वैसे मदद की। सफल हो जाओगे तो हर इंसान आपका दोस्त है बेटा, कोई बात नहीं, इन सब बातों को सोचना ही नहीं है, वो छोटी बातें। याद है वो क्या मैं सिखाया था, ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मैटर लीस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट। गोली जाने दो, बाहर में जाने दो। हाँ जी, इधर चलो, चेंज करो फटाफट, ठीक है, आ जाइए
फटाफट आइए और चेंज करिए। कुछ नहीं होता नेहा, कुछ नहीं होता। जिसको अच्छा मानो वो बुरा बोलता है, बोलने दो, वो उसकी फितरत है। आपका क्या चला गया? किसी ने आपको धोखा दिया तो आपका क्या चला गया? अरे दिल टूट गया, कोई बात नहीं, दो कविताएं लिख लेंगे, दो शायरी लिख लेंगे। शायर होने के लिए, कवि होने के लिए दिल का टूटना टूटना, टोटे टोटे होना भी जरूरी है। तो आपने तो उसमें ही बढ़िया चीज ढूंढ ली ना, तो आ जाओ इधर बढ़िया चीज ढूंढते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटेंस टाइप कर रहे हो, छोटे छोटे ये भी सेंटेंस टाइप कर रहे हो, फटाफट फटाफट टाइप करके दिखाओ। आ जाओ जल्दी टाइप करके दिखाओ। ओपन द विंडो, तो क्या हो जाएगा यहां पर? लेट द विंडो, लेट द विंडो। अब क्या करिएगा यहां पे? बी और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, बी और जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। हां जी, चलिए आइए फटाफट देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, सिर्फ सेंटेंस ही है, इसको सिर्फ सेंटेंस की तरह ही लीजिएगा, सिर्फ सेंटेंस है और सेंटेंस के तरह ही लीजिएगा। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, तो ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। फटाफट चेंज करके दीजिएगा, जल्दी से चेंज करिए, एक्टिव से पैसिव में, ऑर्डर और कमांड वाला सेंटेंस है, जल्दी से चेंज करिएगा। हां जी फटाफट चेंज करें। नेहा आंसर दो, नेहा जल्दी से आंसर दो इसका। शिवम, निधि, देवेंद्र, फटाफट आंसर करिएगा। प्रीति, जल्दी से आंसर भेजिएगा, जल्दी से। ब्रिंग अ बॉटल ऑफ विस्की, तो क्या हो जाएगा? लेट, पूरा ऑब्जेक्ट चिपकाओ, लेट अ बॉटल ऑफ विस्की, ठीक है। अब क्या होगा? बी और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेटा ब्रॉट, बी आर ए यू जी एच टी। तो लेट अ बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट। हां जी शिवम, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छे। लेट अ बॉटल ऑफ विस्की बी ब्रॉट, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है, आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही है, इसको लास्ट में, ये अदर वर्ड्स है स्ट्रक्चर में, अगर याद हो तो मैंने आपको लिखा था लास्ट में जो अदर वर्ड्स बच जाएंगे उसको लास्ट में रख दीजिएगा। इन्फॉर्म आपका वर्ब है और ये द पुलिस ऑब्जेक्ट है, ऑफ द क्राइम अदर वर्ड से चेंज करें फटाफट, जल्दी से चेंज करिएगा। क्या कर देंगे बेटा? तो सबसे पहले तो लेट द पुलिस, लेट द पुलिस, अब डालिए बी इनफॉर्म्ड, लेट द पुलिस बी इनफॉर्म्ड। किस चीज के बारे में इन्फॉर्म करना है? तो जो अदर वर्ड्स है उनको आप पुट कर दीजिए, ऑफ द क्राइम, ऑफ द क्राइम। लेट द पुलिस बी इनफॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, लेट द पुलिस बी इनफॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, ठीक है। Let the police be informed of the crime. हाँ शिवम, of the crime बेटा, गलती से एक बार चेक कर लीजिएगा सेंटेंस। Let the police be informed of the crime. ठीक है, of the crime हमारा अदर वर्ड था, उसको लास्ट में पुट कर दिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंसेस फटाफट कीजिएगा। Shut the door, post this letter. Shut आपका हो गया verb. द डोर आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्ट। अगेन हेयर पोस्ट इज द वर्ब एंड दिस लेटर इज द ऑब्जेक्ट, पोस्ट इज द वर्ब। फटाफट क्विकली चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, क्विकली चेंज, एग्जैक्टली शिवम, एग्जैक्टली। चलो आ जाओ फटाफट चेंज करिएगा नेक्स्ट सेंटेंसेस जल्दी से। शट द डोर, शट द डोर, तो क्या करेंगे यहां पर? लेट द डोर, लेट द डोर बी, और शट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा। वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म, इन तीनों को रिवाइज कर लो, वॉइस, नरेशन, टेंस, वर्ब, सब में बहुत काम आता है ये, इन तीनों को रिवाइज करिए। क्या बात है, अर्चित की एंट्री तरबूज के साथ, गुड आफ्टरनून अर्चित, फटाफट सेंटेंसेस चेंज करिए।
हाँ जी नेहा सेंटेंसेस भेजो बेटा, नेहा सेंटेंसेस लिख के भेजो। अगर सेंटेंस भेजो 15-20 मिनट तक मूड नहीं ठीक हुआ तब तुम कहना, 15-20 मिनट तक मेरी बात मानिए, सेंटेंसेस लिखकर भेजिए, मूड नहीं ठीक होगा तब कहिएगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में लेके चलिए। यहां भी क्या हो जाएगा, यहां लेट जो ऑब्जेक्ट है उसको यहां पे न्यू सब्जेक्ट बनाइए, लेट दिस लेटर बी। अब पोस्ट का क्या कीजिएगा, इसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बना देंगे, पोस्टेड, ठीक है। लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड। चलिए फटाफट फटाफट चेंज करिए, फटाफट जल्दी से। टिल द टाइम लेट मी चेक द कमेंट सेक्शन फॉर द आंसर्स। हां जी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवम, निधि, देवेंद्र, अर्चित, फटाफट भेजो जल्दी से। नेहा आप भी आंसर भेजे बेटा, ठीक है ना। चलिएगा देखिए अगला, देखो दो और हैं। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट टच द नेकेड वायर। जल्दी से चेंज करिएगा, फटाफट चेंज करें। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो आपका द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट, द पुअर हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरे में डू नॉट टच द नेकेड वायर, है ना, अब ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। चलो फटाफट चेंज करो, डू नॉट इंसल्ट द पुअर और डू नॉट टच द नेकेड वायर, जल्दी को चेंज करिए जल्दी से। चलिए हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी चेंज करें, जल्दी जल्दी चेंज करें फटाफट। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, आ गया शिवम का आंसर। लेट द पुअर, लेट द पुअर Not be insulted. Let the poor not be insulted. Let the poor not be insulted. Speed बनाए रखिएगा, speed बनाए रखिए। हाँ जी बहुत बढ़िया निधि, अर्चित, बाकी बच्चे, देवेंद्र, नेहा reply करे बेटा, नेहा reply करे। Let the, है ना, दूसरे में क्या करोगे, let the, अब जो आपका object है उठा के ले आइए, तो let the naked wire, लेट द नेकेड वायर नॉट बी, टच का थर्ड फॉर्म टच्ड, टच का थर्ड फॉर्म टच्ड, तो क्या हो गया, लेट द नेकेड वायर नॉट बी टच्ड, लेट द नेकेड वायर नॉट बी टच्ड। हां जी बहुत बढ़िया, आ गया जी शिवम का आंसर आ चुका है, देवेंद्र का भी आ चुका है। हां जी अर्चित, निधि, नेहा आंसर्स भेजते चले बेटा। मूड चेंज करने का तरीका है काम चेंज करें। मैंने आपको कहा था मना स्थिति बदलने हो तो परिस्थिति को बदलिए, और परिस्थिति बदलना हो तो मना स्थिति को बदलें। खराब मूड को बदलना हो तो काम को बदलें, खुद को बिजी करें। आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलो फटाफट आइएगा, आंसर सेंड करते चलिएगा बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके पास Do not pluck the mangoes or turn her out. Do not pluck the mangoes, turn her out. फटाफट इन दोनों को चेंज करें जल्दी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं निधि, है कमेंट बेटा, let the poor not be insulted, है इधर, जल्दी से अगला चेंज करिए। Do not pluck the mangoes, do not pluck the mangoes, do not pluck the mangoes, जल्दी से चेंज करिए, ठीक है। क्या है यहां पर, डू नॉट प्लक द मैंगोज, तो क्या करेंगे, लेट द मैंगोज, लेट द मैंगोज नॉट बी, और प्लक में सिर्फ आपको ईडी लगाना है, प्लक में सिर्फ आपको ईडी लगाना है, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लक्ड, लेट द मैंगोज। एक बार चेक करना, वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, प्लीज चेक करिएगा एक बार। एम आई ऑडिबल गाइज, प्लीज कंफर्म एम आई ऑडिबल, वॉइस की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वॉइस अभी आ रहा है क्लियर, आप लोग मुझे ढंग से सुन पा रहे हैं। हाँ जी, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड, नेहा क्या बात है, लेट द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड, देखो बहुत बढ़िया।
एक बार नेहा के लिए तालियां तो बनती हैं, उसने अपने खराब मूड को जीत के अच्छे मूड में आके पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है और मूड अच्छा हो जाएगा। बहुत बढ़िया नेहा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, लेट हर, दूसरे में क्या करेंगे, लेट हर। अब टर्न आउट को कैसे चेंज करिएगा, टर्न आउट को कैसे चेंज करिएगा, तो लेट हर हमें कुछ नहीं करना, बी याद रखना है, बी, लेट हर बी टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट, लेट हर बी टर्न आउट, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट रिप्लाई करते चलिएगा। शिवम, अर्चित, नेहा, देवेंद्र, निधि, प्रीति, सब लोग फटाफट रिप्लाई करो बेटा, फटाफट देखते चलिए। सीरियसली सीरियसली, अर्चित से मैं भी सहमत हूं, नेहा प्राउड ऑफ यू, बच्चे आ जाओ फटाफट, चलिए शाबाश, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं होता, ये सब बच्चों वाली बातें, रोने से मन हल्का हो जाता है, अगर रो दोगे ना तो गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने आपको कुछ उल्टा बोला, आप रो दिए, मतलब टेंशन खत्म, अब दोबारा आप सोचोगे ही नहीं अच्छा करने का। दर्द पालना सीखो, दर्द पालोगे तो ये दर्द आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। दर्द, किसी ने डांटा, आपने रो लिया, तो उसका डांटना, आपका रोना, बात खत्म हो गई, तो आगे कैसे बढ़ोगे, उसको कैसे कल कुछ करके दिखाओगे, उसके लिए दर्द पालना जरूरी है, दर्द पालना जरूरी है। रोना धोना बंद करो, ये काम पे लगिए, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट नेक्स्ट देखिएगा। अब हमने इंपेरेटिव में आपका कमांड और ऑर्डर कंप्लीट किया, अब बारी है बेटा एडवाइस की, अब बारी है एडवाइस की, है ना। तो एडवाइस का स्ट्रक्चर कैसे चलता है, एडवाइस का स्ट्रक्चर चलता है बेटा कैसे, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको पैसिव में बदलते हैं, एडवाइस वाले सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में बदलते हैं, तो पैसिव सब्जेक्ट, याद होगा आपको मैंने क्या बोला, इंपेरेटिव में आपको जनरली क्या मिलता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इन्हीं के दर्शन आपको मिलते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, साथ में शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर है। साथ में क्या कीजिएगा, शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इतना ही करना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिवम, देयर इज नथिंग टू बी सॉरी, फील लाइक अ फैमिली, है ना। ये इंग्लिश बाय सौरभ चौधरी, एक फैमिली है बेटा, कोई सॉरी कोई थैंक यू की जरूरत नहीं है, है ना, होता है, छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं। चलिए आइए, चलो आ जाओ फटाफट देखो क्या करना है हम लोगों को, एडवाइस वाले सेंटेंसेस में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाक से अगले क्वेश्चन पे आइए, हेल्प द पुअर, है ना। मैंने आपको क्या बोला बेटा, यहाँ क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, तब क्या करिएगा, यहाँ कैसे चलना है, पैसिव सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां कैसे चेंज करोगे, द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, फटाफट चेंज करिए सब लोग। हाँ नेहा कह रही है, अर्चित सौरभ सर ने धमका दिया नेहा को, देखो नेहा मुझ पे इल्जाम लग रहा है, देखो इल्जाम लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी फॉर दैट, रिप्लाई करो पहले फटाफट, चलिएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, सेकेंड वाला भी चेंज करो जल्दी से, स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, द चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, ठीक है, क्लियर है सबका, सबके आंसर आ चुके हैं।
हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आ चुके हैं निधि, अर्चित, देवेंद्र, शिवम, नेहा, सबके आंसर आ चुके हैं। क्या बात है, नेहा को भी देखो बराबर पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत अच्छा बेटे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, डू नॉट इंसल्ट द हेल्पलेस एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, इसको भी चेंज करिए जल्दी से, फटाफट चेंज करिएगा। शाबाश नेहा, बहुत अच्छे। चलो शिवम, देवेंद्र, अर्चित, निधि, नेहा, फटाफट नेक्स्ट ट्राई करिएगा, जल्दी से ट्राई करिए। डू नॉट इंसल्ट द हेल्पलेस, तो क्या कीजिएगा, द हेल्पलेस शुड नॉट बी, और इसका थर्ड फॉर्म बना दो, द हेल्पलेस शुड नॉट बी इंसल्टेड, द हेल्पलेस शुड नॉट बी इंसल्टेड। चलिए जल्दी जल्दी चेंज करिएगा। हां जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो चलो नेहा जल्दी चेंज करो, सब मोह माया है, सब मोह माया है। ये इनाम, ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड, बहुत सारी आइसक्रीम भेज देगा अर्चित तुमको वहीं पे। जल्दी जल्दी चेंज करो, आ जाओ फटाफट चेंज करिएगा, जल्दी से चेंज करिए बेटा। द हेल्पलेस शुड नॉट बी इंसल्टेड, एक और सेंटेंस है, एक और सेंटेंस है वहां पे, वो भी देखिए, एक और सेंटेंस है बेटा, जल्दी से उसको भी कीजिए। चलो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो इधर ले आइए, ठीक है, योर पेरेंट्स, ठीक, शुड बी रेस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। चलिए फटाफट चेंज करिएगा, जल्दी 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 चेंज करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। एक और है देखो, एक और है, लव योर नेबर्स, लव योर नेबर्स, तो क्या करेंगे बेटा, योर नेबर्स, आधा मैं लिख रहा हूं, आधा आप पूरा करें, योर नेबर्स, इसके आगे क्या होगा जल्दी बताइए। चलो चलो जल्दी 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 देखो जल्दी, लव योर नेबर्स क्या कीजिएगा, लव योर नेबर्स जल्दी से चेंज करिए फटाफट। आधा लिख दिया मैंने, जहां तक कोई ज्यादा चेंज नहीं था वहां तक लिख दिया मैंने, तो क्या करेंगे यहां पे, योर नेबर्स शुड बी लव्ड, योर नेबर्स शुड बी लव्ड, देख के करना, नेबर भी अच्छा होना चाहिए, प्यार करने के लायक होना चाहिए, कहीं पाकिस्तान मिल गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। सुना है ना, लोगों के होते होंगे बाबू सोना, तुम तो मेरी जिंदगी के तालिबान हो, बेवजह ही तबाही मचा रखी है ना, तो इसीलिए नेबर को देख के प्यार कीजिएगा, योर नेबर शुड बी लव्ड। चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश नेहा, देवेंद्र, अर्चित, शिवम, निधि, बहुत अच्छे। चलो फटाफट आगे बढ़ो, वो कहानी थी, अब वो कहानी थी बेटा एडवाइस की, तो इंपेरेटिव में हमने कमांड ऑर्डर देख लिया, एडवाइस देख लिया, उसके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली, अब आते हैं रिक्वेस्ट पे, है ना। तो ये बात तो आप भी जानते हो कि रिक्वेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है वहां जनरली हमको ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में दो वर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, क्या क्या, काइंडली या प्रेजेंट। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या क्या दो वर्ड्स मिलते हैं, काइंडली या प्लीज, आपको जरूर लगा मिलता है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, ये वाले आपको दोनों वर्ड्स जरूर एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल जाएंगे। आइए सोनाली जी, आइए फटाफट फटाफट शुरू कीजिएगा, है ना, फटाफट शुरू कीजिए। यू आर रिक्वेस्ट, अब इसको कैसे चेंज करोगे वो देख लो, दो कहानियां हैं, या तो आपके पास यू आर रिक्वेस्टेड तो आपको लगाना ही है, यू आर रिक्वेस्टेड तो आपको लगाना ही है, और ये रिक्वेस्टेड खुद ही बेटा थर्ड फॉर्म में है, तो इसके आप वैसे भी जानते हो टू के बाद जो वर्ब आती है, टू के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। यस और नो डाल के कंफर्म करो जल्दी से, यस और नो डाल के कंफर्म करिएगा जल्दी से,
निधि सब लोग शायर हैं बेटा, जिनके दिल टूटे हैं सब शायर हैं, है ना। और ये दिल टूटते होंगे आम इंसानों के, हमारे तो चकना चूर हुए हैं, और हम तो यूपीएससी वाले हैं, तो आप सोच लो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाले कोशिश में चल रहे हैं, इंतकाम पूरा नहीं हो पा रहा पता नहीं क्यों। चलिए आइए देखिएगा फटाफट। हेलो सबको, सबको हेलो है बेटा, आ जाओ इधर, बात को देखो और समझो ठीक है। पहली बात की जितना रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा वहां काइंडली प्लीज मिलेगा, और जब उसको हम चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट डाल देंगे, या इसका सबसे बढ़िया तरीका पूरा लिख दिया है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जितने वर्ड से सब लिख दो एक्सेप्ट प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली छोड़ के सेंटेंस में जितने वर्ड से सारे के सारे लिखना है, किसके बाद लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद, किसके बाद लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद। हां जी चलो आ जाओ, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। अभी देखो कहानी क्या है आपके पास, अब है प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। तो क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले तो हम इनके पैसिव की शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से। किससे शुरुआत कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इस टू के बाद क्या करेंगे, ध्यान क्या देना है बेटा कि आपको यहां मेंशन कर रहा हूं ऊपर प्लीज या काइंडली, प्लीज या काइंडली, इनको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, एक्टिव से पैसिव में इन दोनों को लेकर नहीं आना है। इन्हीं के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन्हीं के बदले हम लिख रहे हैं रिक्वेस्टेड। यहां तक बात आई समझ में, चलिए आइए, है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। ध्यान क्या रखना है कि बेटा प्लीज और काइंडली नहीं आएगा, प्लीज और काइंडली को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अर्चित, प्लीज और काइंडली कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, है ना। तो प्लीज हटा दीजिएगा। हाँ जी शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया नेहा निधि शिवम सोनाली, चलिए जल्दी से आइए दूसरा देखिएगा। अब क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि ये प्लीज हट जाना है। तो शुरू कीजिए बेटा, यू आर, यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब क्या है, टेक योर सीट टू, टेक योर सीट, है ना। निधि के लैंग्वेज में याद रखिएगा, निधि के लैंग्वेज में याद रखिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा सेंटेंस चिपका देना है प्लीज काइंडली हटा के। निधि कहती है ना ये चिपका देना है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद पूरा सेंटेंस चिपका देना है प्लीज काइंडली हटा के। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट हो गया, तो आगे बढ़ें जल्दी से अगला देखें, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। चलो फटाफट चेंज करो, आपकी बारी, बॉल आपके खेमे है, मेमे है, गोल मारो, अब आपकी बारी जल्दी से। हाँ जी जल्दी जल्दी, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, जल्दी जल्दी, है ना, काइंडली पोस्ट दिस लेटर। तो ध्यान क्या रखना है, ये काइंडली को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, तो हमको क्या करना है बेटा, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख दीजिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, शाबाश। हां बस इतू सही काम करना है, इतू सही काम कॉन्सेंट्रेशन से करके देखिए ना, सरकारी नौकरी तो आएगी ही आएगी, जाएगी कहां,
आएगी ही आएगी। हम भी उन्हीं आशिकों में से हैं कि इतनी बेइंतहा मोहब्बत करेंगे कि तुम जाओगे कहाँ। कबीर सिंह के बाप हैं हम लोग, गवर्नमेंटल जॉब लेकर आएंगे, हमारी माशूका हमारी महबूबा गवर्नमेंटल जॉब है, लेकर ही आएंगे, वो जाएगा कहाँ। हाँ जी चलो आ जाओ, ठीक है। अब अगला है, प्लीज गिव मी 5000 रुपीज, चेंज करके दो फटाफट जल्दी से, प्लीज गिव मी 5000 रुपीज। क्या करेंगे इधर, सबसे पहले तो इतनी बात तो लिखी दो, इतनी बात तो क्वेश्चन देख लिया, रिक्वेस्ट वाला है तो यहां तक तो लिखी देंगे, है ना। प्लीज को हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये हटा दीजिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, ठीक है। क्या देना है, किसको देना है, तो टू गिव मी 500 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज। फटाफट देखो और चेंज करो। शाबाश, बहुत बढ़िया निधि, शिवम, देवेंद्र, नेहा, क्या बात है। अर्चित किधर रह गए बेटा, जल्दी जल्दी शेयर करो, जल्दी जल्दी अपने अपने आंसर शेयर करें, और आंसर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, साथ के साथ सेशन को भी शेयर करें, इस क्लास को, इस लेक्चर को भी शेयर करिएगा बाकी बच्चों तक, जल्दी 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 शेयर करिए, और बाकी बच्चे भी जल्दी से ज्वाइन करें, जल्दी जल्दी ज्वाइन करें बेटा, ठीक है। और बाकी बच्चे फटाफट आंसर दें। अर्चित आपका आंसर वेटिंग है बेटा, टिल द टाइम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और है देखो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, जल्दी से चेंज करो, जल्दी चेंज करिएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अगला अर्चित, अगला 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 मैंने बोला आंसर भेजने, अगला आंसर भेजने बोला, सब मोह माया है, अगला आंसर भेजो। प्लीज सिट डाउन, तो क्या कीजिएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, You are requested to sit down. बहुत बढ़िया, You are requested to sit down. हाँ जी नेहा, फटाफट आंसर करते चलिए बेटा, साथ के साथ, साथ के साथ आंसर करो। खाओ पियो पढ़ो और मौज लो, खाओ पियो पढ़ो और मौज लो, ना मिले तो खोज लो, ठीक है। खाओ पियो पढ़ो और मौज लो, ना मिले तो खोज लो, ठीक है। चलो आ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिएगा अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, अब आएगा असली मजा, अब आएगा देखो असली मजा। देखो मैं ये शुरू करूं उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अब थोड़ा कंसंट्रेशन बेहतर रखना, वॉइस ही चल रहा है लेकिन ये मैंने कहा ना, जैसे वो कैब था आज वन लेवल अप, आज का वो कैब वन लेवल अप, मैंने कोशिश की आपको कैसा लगा शेयर कीजिएगा, वन लेवल अप लगा या नहीं लगा। हाँ स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन बेहतर रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा, वहां मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो अब छोटी छोटी चीजें देखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला होता है बेटा आपका यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस, इसको हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, जिनको हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें पैडा में जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, क्या क्या, एक तो यस नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है बेटा आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चंस, ठीक। तो यहां कॉन्सेंट्रेशन बेहतर रखिएगा, जब मैं टेंस करवा रहा था तो वहां मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता रखा है, वैसे स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन हम लोग देखेंगे इन क्वेश्चंस का। हाँ बिल्कुल, पैडागोजी में ये सब पढ़ते हैं,
क्या बात है, मंजिलों ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसले ने मंजिलों की आंखों में आंखें डालकर कहा तेरे बस की बात नहीं। कहने का मतलब ए मंजिल, तेरे बस की बात नहीं कि तू मेरे बढ़ते कदम रोक दे। ठीक है, हम हौसलों से उड़ान भरते हैं, हमें ज्यादा पंख की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा हौसला इतना बुलंद है कि पहुंचेंगे। मंजिल तू मेरी है, तू जाएगी कहां, तू है मेरी किरण। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। आओ देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की दो कैटेगरी में पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं, यस नो कैटेगरी। पहले हम लोग कर रहे हैं यस नो कैटेगरी। चलो आ जाओ देखो, अब फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। आप लोग चेंज करने की कोशिश करो, जिनसे डायरेक्ट चेंज नहीं होगा उनको समझाता हूं करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में इसको नॉर्मल में चेंज कर लो, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने की कोशिश की। ठीक, अब इसका वाला चेंज तो आप जानते ही हो, इसका वाला चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, चलो आ जाओ देखो फटाफट। ही राइट्स अ लेटर, पहले हमने इंटरोगेटिव को नॉर्मल सेंटेंस में चेंज किया, नॉर्मल सेंटेंस का ऐसे पैसिव वॉइस चेंज होगा, और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो ध्यान क्या देना है कि इस वाले इज को यस नो में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है। यस नो में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर होता है। तो इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आइए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इज अ लेटर रिटन, इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इज अ लेटर रिटन बाय हिम। ठीक है, चलो देखिएगा, अगर आपको डायरेक्ट मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनना। ये जो यस नो वाले क्वेश्चंस है ना, यस नो वाले क्वेश्चंस अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो इनिशियल फेज में, स्टार्टिंग फेज में प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें कि पहले क्वेश्चन को अफर्मेटिव में बदलें। तो क्वेश्चन था डज ही राइट अ लेटर, मैंने उसको अफर्मेटिव में बदल दिया, ही राइट्स अ लेटर। अगला स्टेप देखिएगा, अगले स्टेप में अफर्मेटिव का हमने पैसिव बना दिया, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अगले स्टेप में हमने अफर्मेटिव का पैसिव बना दिया, और यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है। यस नो क्वेश्चन क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाता है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमने यहां पर रख दिया। एक बार देखिएगा, हां जी हाँ, अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता है बेटा कि आप डायरेक्टली इसको यहां चेंज कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको डू डज डिड इन सब की समझ है, वॉज वर की समझ है तो अच्छी बात है। नहीं तो एक ये भी प्रोसेस है कि फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन वाले को, क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में अफर्मेटिव बना दो, तो और अफर्मेटिव को आपको चेंज करना आता ही है पैसिव में, और उस अफर्मेटिव के जो पैसिव को चेंज करोगे उस पैसिव में से हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। तो इज अ लेटर रिटन बाय हिम, बात आई समझ में, हाँ या ना, एक बार यस या नो करें, बात आई समझ में, यस और नो। डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं चेंज कर सकते हैं बेटा तो ये प्रोसेस अपना सकते हो। चलो अगला देखो, अगला देखिएगा, चलो इसको चेंज करो, वाई वॉज द डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस देखो, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, वॉज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। जल्दी से चेंज करने की कोशिश करिए, है ना, जल्दी जल्दी इधर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, कंसंट्रेशन थोड़ा बेहतर रखना क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, क्वेश्चन। चलो फटाफट चेंज करिएगा जल्दी से।
हाँ जी बिल्कुल है ना, इसको भी आप चाहोगे तो वैसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिखिए द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग, द डॉक्टर वॉज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। ठीक है, अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, अब इसको चेंज करिए। अब इसका चेंज कैसे करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या होगा, रुको थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं। सेकेंड स्टेप में द पेशेंट्स, द पेशेंट्स अब वर हो जाएगा बेटा, तो द पेशेंट्स वर और आईएनजी है, आईएनजी है तो बीइंग लगाएंगे, वर बीइंग द पेशेंट्स वर बीइंग। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्जामिंड, द पेशेंट्स वर बीइंग एग्जामिंड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। ठीक है, अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो थर्ड स्टेप जो हमारा फाइनल स्टेप है, उस फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आओ, है ना, इस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आइएगा कि वर द पेशेंट्स, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिंड, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिंड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बिना, इंटरोगेटिव साइन के बिना ये सेंटेंस क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा और फटाफट अपने अपने आंसर चेक करिए। वर द पेशेंट्स, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिंड बाय द डॉक्टर, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिंड बाय द डॉक्टर, है ना। इज्जत पे बात नहीं लेनी है, इज्जत पे बात नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा। तीन स्टेप में मैं कर रहा हूं तो आप भी कर लीजिए, एक दो सेंटेंसेस तीन तीन स्टेप में कर लो, बाद में तो अपने आप सही हो ही जाने हैं। या यहां क्या ध्यान देना था कि आईएनजी है तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर द पेशेंट्स बीइंग एग्जामिंड बाय द डॉक्टर। चलो अगले पे आओ, नेक्स्ट डिड ही बाय अ बुक, चलिए चेंज करिए, आपकी बारी, फुटबॉल आपके खेमे में है, मारो गोल जल्दी से जल्दी से। डिड ही बाय अ बुक, डिड ही बाय अ बुक, ये डिड मतलब क्या हो गया बेटा, डिड हो गया पास्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपका कि ही बॉट, ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक। तो इसके दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा अ बुक, अ बुक वॉज बॉट, अ बुक वॉज बॉट बाय हिम, अ बुक वॉज बॉट बाय हिम। और अब तीसरे और फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, ये जो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम बाहर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉज अ बुक, वॉज अ बुक बॉट बाय हिम, वॉज अ बुक बॉट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। चलो अपने अपने आंसर्स भेजो जल्दी से। वॉज अ बुक ब्रॉट, नहीं बेटा बॉट, ब्रॉट और बॉट का डिफरेंस ध्यान रखिएगा, सोनाली वॉज अ बुक बॉट बाय हिम, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे अपने अपने आंसर भेजो जल्दी से जल्दी जल्दी। ये फाइनल कन्वर्जन है, ये वाला स्टेप आपका फाइनल कन्वर्जन है ना, मैंने बोला ना इज्जत पे बात मत लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें सीखने की कोशिश करिए। ये यहां से चेंज हो गया अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव से उसका पैसिव वॉइस बन गया और ये आपका फाइनल हो गया। आई होप द पॉइंट इज क्लियर,
चलो। हाँ जी, क्वेश्चन मार्क शिवम के अलावा किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, अब देवेंद्र ने लगाया। चलिए, हाँ जी स्मिता, पूनम, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो तत्काल आगे चलो, अगला देखो, हैव यू चीटेड मी, देखो अब दर्द आ गया बाहर, दर्द आ गया बाहर, हैव यू चीटेड मी, धोखा दिया मुझको, धोखा दिया दिल ने तेरे, ये हाय क्या किया, जल्दी से, हैव यू चीटेड मी, जल्दी करो फटाफट, कोई बात नहीं अर्चित, कोई बात नहीं, सब मोह माया है, सब मोह माया है, चलो फटाफट चेंज करो, हैव यू चीटेड मी, हैव यू चीटेड मी, इसको भी आप थ्री स्टेप कन्वर्सन कर सकते हैं, यू हैव चीटेड मी, यू हैव चीटेड मी। अब ये देखो क्या है, ध्यान देते चलना, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या करेंगे, है ना, यू के लिए भी हैव लगाते हैं, मी के लिए भी हैव लगाते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, तो हैव, फिर से लिख दे रहा हूं, देखो क्या चेंज करेंगे, हैव आई बीन, हैव आई बीन चीटेड बाय यू, हैव आई बीन चीटेड बाय यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आइए फटाफट अगला चेंज करिए, हैव आई बीन चीटेड बाय यू, देख रहे हो कितनी मासूमियत है, हैं? मतलब धोखा जिसने दिया उसी से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है, कितना दिल नादान है, देख रहे हो, चलो फटाफट चेंज करो, फटाफट चेंज करिएगा, हैव आई बीन चीटेड बाय यू, हैव आई बीन चीटेड बाय यू, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगले पे आ जाओ जल्दी से, देखो जल्दी अगला देखो, बोलो, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, शुड द डॉक्टर एग्जामिन हर, अब शुड हो गया बेटा मोडाल, शुड क्या हो गया, शुड हो गया आपका मोडाल, तो मोडाल वाला सिस्टम आपको याद ही होगा कि मोडाल वाले में हम क्या करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो चेक करिए, हर हो गया हर, तो हर के लिए क्या लिखेंगे, शुड सी, है ना, उसके बाद बी, शुड सी बी एग्जामिन्ड, शुड शी बी एग्जामिन्ड, अब कौन एग्जामिनेशन लेगा भाई, डॉक्टर साहब ही लेंगे, तो शुड शी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, शुड शी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, शुड शी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, हाँ जी बिल्कुल, हाथ में खंजर है फिर भी पूछ रहे हैं आपके हाल क्या है, वही वाली बात हो गई, जिंदगी धुआं धुआं और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, हैं आंख है भरी भरी, चलो आ जाओ, शुड सी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, शुड शी बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, चलो फटाफट अगले पे आओ, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, अब स्पीड बढ़ाओ, अब ट्रेंड पकड़ लिया, कहानी समझ में आ गई, एरर्स नहीं आ रहे, मतलब ट्रेंड पकड़ लिया, फटाफट स्पीड बढ़ाइएगा, फटाफट स्पीड बढ़ाते चलिए, जल्दी 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 स्पीड बढ़ाइएगा, देखिए अगला क्या है, विल नो बडी हेल्प द पुअर, विल नो बडी हेल्प द पुअर, विल ये भी आपका मोडाल है बेटा, है ना, तो इसकी भी कहानी कैसी चलेगी, इसकी भी कहानी चलेगी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, ठीक है, तो देख लो अब आपका पुअर क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा उठाओ, प्रैक्टिस हो गई तो सीधा सीधा उठाइए, तो क्या करेंगे हम लोग भी, हम लोग यहां विल द पुअर, विल द पुअर, अब ये नो बडी है, कल बताया था ना कि नो बडी नो वन ये सब सेंटेंस को निगेट करते हैं, तो विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, है ना, देखो अभी सेंटेंस मैंने कंप्लीट नहीं किया है, जल्दी जल्दी, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, यहां पर बाय नो बडी लगाए क्या, बाय नो बडी लगाना है, हाँ या ना बोलो,
यहां पर क्वेश्चन मार्क से पहले बाय नोबडी लगाना है, बाय नोबडी लगाना है, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड, विल द पुअर नॉट बी हेल्प्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। यही स्पीड मेंटेन करिए। अगला देखिएगा, डू मशीन्स मेक दीज यूटेंसिल्स, जल्दी चेंज करो जल्दी से, डू मशीन्स मेक दीज यूटेंसिल्स, फटाफट चेंज करिएगा। चलो चलो जल्दी 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 फटाफट चेंज करिए। नहीं, वह मोह माया है, बिल्कुल। हाँ जी, मोह माया, जल्दी से चेंज करिए जल्दी से। डू मशीन्स मेक दीज यूटेंसिल्स, ठीक, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, चेंज करते वक्त यही ध्यान रखिएगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है बेटा, ये पूरा पूरा उठा के ले आना है ना, ठीक है। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाओगे, दीज मशीन्स, तो आर लगा दीजिए, आर आर दीज, पूरे पहले ऑब्जेक्ट को लिख लो, आर दीज यूटेंसिल्स है ना, इसका थर्ड फॉर्म मेड, आर दीज यूटेंसिल्स मेड बाय, अब कौन बना रहा है भाई, आर दीज यूटेंसिल्स मेड बाय मशीन्स, जल्दी से चेंज करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। शिवम अर्चित दोनों आ चुके हैं फटाफट, आर दीज यूटेंसिल्स मेड बाय मशीन्स, आर दीज यूटेंसिल्स मेड बाय मशीन्स, देख लो सब्जेक्ट भी प्लूरल था, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, सब्जेक्ट भी प्लूरल, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल था, आप लोग भी चेक करना ये सब, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। हाँ जी निधि, आर दीज यूटेंसिल्स मेड बाय मशीन्स, चलो बहुत बढ़िया, हो गया हो गया, अगले पे आओ जल्दी से जल्दी से, एक आधा सेंटेंस और, हैव यू टू पेंट द बॉक्स, थोड़ा ध्यान से करना, हैव यू टू पेंट द बॉक्स, जल्दीबाजी नहीं करिएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जल्दी से। अभी थोड़ी देर पहले इन्फिनिटिव का अफर्मेटिव आपने बनाया, इन्फिनिटिव का अफर्मेटिव बनाया है, इसको जल्दी से चेंज करिए, बाकी बच्चे भी जल्दी रिप्लाई करें। देवेंद्र जल्दी से रिप्लाई करो, पूनम चंद्रा, नेहा, सोनाली, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट रिप्लाई करिएगा, जल्दी से रिप्लाई भेजिए। हैव यू टू पेंट द बॉक्स, हैव यू टू पेंट द बॉक्स, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है बेटा द बॉक्स, ठीक है, तो द बॉक्स के लिए क्या लिखोगे बोलो, द बॉक्स के लिए हैव लिखें या हैज लिखें, द बॉक्स के लिए हैव लिखें या हैज लिखें, जल्दी बताओ, ये मैंने सही लिखा गलत लिखा, ये मैंने सही लिखा गलत लिखा, ये मैंने सही लिखा गलत लिखा, ये हैव के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटिव है, ध्यान दो, आज ही बताया है इन्फिनिटिव वाला, ये इन्फिनिटिव है, हैज की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए बीन मत लगाना, बीन मत लगाना बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा जल्दी से, है ना, इसको मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप समझा दूं अगर, तो यहां देखो, ये एक्चुअल सेंटेंस ऐसा है, यू हैव टू पेंट द बॉक्स, है ना, अब देखो ये टू पेंट क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, इसको चेंज करना, अभी बताया था आपको। हां जी सरोज रानी, फटाफट देखिएगा बेटा, करते चलिए जल्दी जल्दी, करते चलिएगा जल्दी से, आंसर करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा ये वाला, द बॉक्स, इसको चेंज कर लो, काम खत्म, द बॉक्स हैज टू बी पेंटेड, हैज टू बी पेंटेड, द बॉक्स हैज टू बी पेंटेड बाय यू, द बॉक्स हैज टू बी पेंटेड बाय यू, अब क्या करेंगे, इसी हैज को आगे ले आएंगे, इसी हैज को आगे ले आएंगे, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड, पेंटेड बाय यू, हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड बाय यू, अटपटा लग रहा होगा बेटा, इन्फिनिटिव वाला शुरू में करवाया था, देख लेना। हाँ जी बिल्कुल,
हैज द बॉक्स टू बी पेंटेड बाय यू। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखें और कोई सेंटेंस है क्या आज के लिए। एक सेंटेंस और है ऐसा ही, एक सेंटेंस और है ऐसा ही। इज शी टू राइट द बुक। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करिएगा बेटा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक उसी तरह चेंज कीजिए जैसे पहला किया था। गुड आफ्टरनून आदिल, आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलो जल्दी 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 कीजिएगा, जल्दी स्पीड बना के रखिए। इज शी टू राइट अ बुक, इज शी टू राइट अ बुक। ठीक है, जल्दी से। इज शी टू राइट अ बुक, जल्दी चेंज करो, आपकी बारी है बेटा। इट्स योर टर्न, टेस्ट योर स्पीड, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर स्पीड, टेस्ट योर सेल्फ। जल्दी 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 से चेंज कीजिएगा, जल्दी से चेंज कीजिएगा। क्या हो जाएगा? इज अ बुक, इज अ बुक टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज अ बुक टू बी रिटन, इज अ बुक टू बी रिटन बाय हर। क्या उसके द्वारा एक किताब लिखी जाने वाली है? क्या इसके द्वारा एक किताब लिखी जाने वाली है? इज अ बुक, शाबाश शिवम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शिवम, बहुत। इज अ बुक रिटन बाय हर, बहुत बढ़िया निधि, शाबाश शाबाश। जल्दी जल्दी बाकी बच्चे आंसर दें, मैं कुछ चेक करता हूं। हाँ जी, जल्दी से बाकी बच्चे आंसर दीजिएगा, जल्दी से। एक सेंटेंस और है, इज शी राइट अ बुक वाला हो गया बेटा। हाँ जी, चलो लास्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस। आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स, आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स। लास्ट वन चेंज करो, आर द चिल्ड्रेन ईटिंग स्वीट्स। शाबाश नेहा, बहुत बढ़िया नेहा, सरोज रानी, अर्चित, निधि, शिवम, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बेटा। पूनम, देविंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूनम एक बार आंसर चेक कर लें बेटा, टू बी मिसिंग है, इज अ बुक। जरा ध्यान से पूनम एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। इज अ बुक टू बी रिटन बाय हर, टू बी मिसिंग है, ठीक है। यहां भी चलो, आर द चिल्ड्रन ईटिंग द स्वीट्स, जल्दी से चेंज करें, नॉर्मल सेंटेंस पे आइए। आर द चिल्ड्रन ईटिंग द स्वीट्स, कैसे चेंज कीजिएगा? तो स्वीट्स भी प्लूरल है, तो यहां भी आर रहने दीजिए। आर द स्वीट्स, आर द स्वीट्स। अब देखो आई एन जी है बेटा, तो आई एन जी के लिए क्या करोगे? बीइंग डालोगे। तो आर द स्वीट्स बीइंग, आर द स्वीट्स बीइंग, वर्ब क्या है? ईट। आर द स्वीट्स बीइंग ईटन, आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन। नाव है तो लास्ट में नाव चिपका दो। आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन। नाव फटाफट अपने अपने आंसर्स भेजें। नाव नाव जो बचा हुआ वर्ड है ये भी चेक कर लेना, बात खत्म नहीं हो रही है। ये बचा हुआ जो वर्ड है ना, इसको लास्ट में चिपका देना, ठीक है ना? अदर वर्ड को लास्ट में चिपका दीजिएगा। आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन। हाँ जी, बहुत बढ़िया शिवम। आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन। नाव छूट गया बच्चों आप लोगों से, नाव नाव छूट गया है, नाव को चेक कर लीजिएगा। आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन नाव, आर द स्वीट्स बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन नाव, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, आज के लिए वॉइस को हम लोग यहीं रोकते हैं। कल सुबह वोकैब के सेशन के साथ फिर से कुछ अच्छे नए वर्ड्स, कुछ प्रैक्टिस के लिए। कल बारी, आज हमने देखा idioms, तो कल हम करेंगे synonyms, ठीक है? तो मॉर्निंग वाली क्लास में vocab, साथ में प्रैक्टिस ऑफ synonyms, और दोपहर वाली क्लास में वॉइस कल भी चलेगा, है ना? वॉइस में कुछ चीजें बताने के लिए अभी हैं, ठीक। तो टिल द टाइम आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। वॉइस का एक्टिव टू पैसिव चेंज करके अच्छा लग रहा होगा, कुछ भूली बिसरी चीजें का रिविजन भी आपको मिला होगा। अच्छा ठीक है ना,
चलो तो टिल द टाइम गाइस, दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। सेशन आया अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। लाइव चैट से बाहर आके एक कमेंट या एक थम्स अप करें, इसमें आपका कुछ नहीं जाना, ठीक है ना। वी गेट मोटिवेटेड, आई गेट मोटिवेटेड, मुझे अच्छा लगेगा। टिल द टाइम, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच। दिस इज सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ। लाइक और शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।